अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइबर बैंक्स। मैं हूँ हमज़ा फवाद। अच्छा, इस लेक्चर में आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास काल लिनक्स इंस्टॉल नहीं है तो आप किस तरह वेब पेन टेस्टिंग या एज अ पेन टेस्टिंग किस तरह कर सकते हो, जिस तरह की काल लिनक्स में आप पेन टेस्टिंग कर सकते हो। सो ये सिंपल तरीका आपको मैं एक ट्रैक समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास काल लिनक्स नहीं है या आपका सिस्टम कमज़ोर है या आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वो चीज़ इंस्टॉल नहीं है, आपको अर्जेंट चीज़ चाहिए, इसका टर्मिनल आप किस तरह ओपन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना, वो भी ऑनलाइन चीज़ मिलती है, आपने करना होगा ओपन। यहाँ पर टाइप करें कंसोल डॉट क्लाउड के नाम से हैं, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ, कंसोल डॉट क्लाउड। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यूज़ भी किया है। ठीक है, इस पर एंटर करें। अच्छा, इसके लिए आपके कोई अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जीमेल अकाउंट है वो ओपन कर दे तो आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी मेरे यहाँ पर एक अकाउंट बना हुआ है तो ईज़िली आपका अकाउंट बन सकता है, ऑलरेडी अकाउंट आपका बना हुआ है, यही समझी तो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटिंग की है, सेटिंग नहीं है बस ये चीज़ आप देख लो। ठीक है, हाँ, यहाँ पर क्लिक करो, ये जो आपको टर्मिनल नज़र आ रही है ना तो इस पर क्लिक करें तो ये कनेक्शन में थोड़ा टाइम ही लेता है। देखिए यहाँ पर कनेक्शन में थोड़ा टाइम लेता है, कनेक्शन हो रही है। सो यहाँ पर इसका मैं लेंथ इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो कनेक्टिविटी में टाइम लेता है, देखिए ये देखिए कनेक्टिविटी में टाइम लेता है, बाकी फास्ट है, बहुत फास्ट है। ऑलराइट, ये सेम लाइक दैट जिस तरह के काल लिनक्स पे काम कर सकते हो इसी तरह आप यहाँ पर भी काम कर सकते। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस की दबाए, क्योंकि ये वेब है ना, वेब पेज है, इससे जूम अप हो जाता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखना है कि ये रियली वही कमांड्स पे अप्लाई है जिस तरह के काली निर्स पर आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल ही वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह के मैं फॉर एग्ज़ाम्पल करंट डायरेक्टरी को देखते हूँ, PWD, देखिए मेरे करंट डायरेक्टरी होम ये वगैरह है। ठीक है, अच्छा मज़ी की बातें हैं, जो चीज़ आप सेलेक्ट करें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाती है, आपको निशाना जी मैंने कोई बटन प्रेस नहीं, सिर्फ सेलेक्ट किया है, कंट्रोल वी के साथ यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, इसके कोई और वजूहत हैं, सिर्फ आप ये सीख लें। ठीक है, अच्छा सेकेंडली बात, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने टाइम देखना है, टाइम यहाँ पर टाइप करें, टाइम अपना देखना है, डेट जो भी देखना है यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, मैं ये क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये ऑनलाइन है, कहाँ पर आपको मिलेगी, गूगल क्लाउड में, ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं फ्री एज ए काली लिनक्स टर्मिनल, एज ए काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हो, कीबोर्ड वगैरह आप सेटिंग कर सकते हो अपने लिए, सो एज ए सिंपल ठीक है। ओके, सेकेंडली बात, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो स्पेस है आप देख रहे हैं, इसका स्पेस किया है, ठीक है, df hyphen h /, प्रेस करें। अच्छा, इसके जो साइज़ है ना, साइज़ यूज्ड अवेलेबल यूज्ड, जो यूज्ड साइज़ है ना इसका कितना है, 74, मतलब मीन्स के 74 GB यूज़ है, 11 GB मेरे लिए बाकी है, मतलब कि 11 GB में ऊपर स्टोरेज कर सकता हूँ चीज़ें, कमांड्स प्ले सकते हो, एनी हाउ हर चीज़ में ऊपर स्टोर कर सकते हो, ये टेम्परेरी नहीं स्टोर होगी, ये लाइफ टाइम स्टोर होगी। ठीक है, हम देख लेंगे कि किस तरह हम लाइफ टाइम स्टोर कर सकते हैं, नॉर्मली कमांड है, इसमें कुछ नहीं है जिस तरह के आप काली लिनक्स में यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल पिंग करना है कि काम करता है कि नहीं, google.google.com, ठीक है, हाँ ये देखे ये भी काम नहीं कर लेता है क्योंकि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया, ये एरर मुझे पहले से दे रही थी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया है। सो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इस सेशन के लिए ये इंस्टॉल करना होगा, ये चीज़ एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि यह तरीके से आप
इंस्टॉल करो, एंटर करो, तो ये एज अ फ्यू सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगी। ठीक है, ये भी डाउनलोड हुआ, क्लियर कर लेता हूँ मैं। सेम कमांड अभी मैं अप्लाई कर गूगल, ठीक है, देखिए चल गया। हाँ, इसमें इंस्टॉलेशन है, एक दफ़ा इंस्टॉलेशन, बार बार इंस्टॉलेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कि ये गूगल जो है इसका आईपी करंटली ठीक काम कर रही है। सो मैंने क्लियर किया। अच्छा, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसके जो काली लिनक्स के जो कमांड्स हैं वो मुझे चाहिए। काली लिनक्स कॉमन यूज कमांड एंड लिस्ट, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि रियली ये काम कर लेता है कि नहीं। अच्छा, मैं एक डायरेक्टरी को क्रिएट करता हूँ आपके सामने, एक डायरेक्टरी को क्रिएट करो। सबसे पहले मैं एक कमांड चेक कर लेती हूँ, पेंग, सॉरी पेंग ना, आई पी एफ कन्फेक, मैंने अपने आई पी को चेक करनी है। मेरा आई पी ये है, देखें ये मेरा आई पी है, ठीक है। सो मुझे जो आई पी मिली है ये आई पी मिली कंसोल की, ये आई पी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑलराइट, अच्छा मैंने अभी और कमांड को देखना है, शायद मुझे अच्छे से कमांड मिल जाए। और ये लेस्ट का कमांड है, और लेस्ट कमांड मैंने देखना है कि लेस्ट एल एस एस, ये चीज़ मैंने पहली चीज़ पे बनी हुई थी ये चीज़ें, ठीक है। ऐसे में अंदर जाता हूँ कि इसमें क्या है, सी डी टेस्ट, अंदर ही गया, लेस्ट कर लेता हूँ, ये चीज़ें मुझे मिल गई, सब्जी वगैरह, ये टूल्स है मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है। सो ये अदर टूल्स है, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के पाइथन है, पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं चेक कर ले तो पाइथन, देखिए ए बी पाइथन खुल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रिंट करना है 5 + 5 = 10, प्रिंट रैली दिस इज वेरी सिंपल एंड गुड टर्मिनल। यहाँ पर स्पेलिंग की कोई वो नहीं है, इश्यूज नहीं है, टर्मिनल, ठीक है। एंटर प्रेस करो, वही की वजह से प्रिंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने करना है गो के लिए तो गो वाला अलग सिंटैक्स है, आपने पीएचपी के लिए करना है तो यहाँ पर एग्जैक्ट कर दे, ये वाला यूज़ करना होगा, क्लियर करें, पीएचपी पीएचपी के देखे टाइम ले रहा है ना। मैंने ऑलरेडी बोला है कि जस्ट आपने यूज़ करना है, थोड़ा बहुत इसका प्रोसेस थोड़ा लाइट चेंज है। लाइट चेंज का मतलब है कि देखो अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है ना, तो इसके लिए आप वेट करना पड़ेगा। सो मैं तब तक वेट कर लेता हूँ। अच्छा, टाइम ले रहा था इस वजह से मैंने कैंसिल किया। सो इस तरीके से आप लैंग्वेज की भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और कमांड मैंने यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैक डायरेक्ट्री या मैक फाइल, ठीक है। और मैंने इस डायरेक्टरी से बाहर निकलना है, सैडी पर्सी सैडी, सॉरी ये अभी मैं सबसे लास्ट में हूँ, देखो डेयर नॉट फाउंड, लास्ट वाज फाउंड, इट्स मींस के आप बिल्कुल होम में हो। देखिए ये अभी मैं होम में हूँ, ठीक है, करंट डायरेक्टरी में नहीं, होम में हूँ। अब मैंने किस तरह देखना है, कमांड पी डब्ल्यू डी करंट डायरेक्टरी मुझे फाइंड कर दे, बिल्कुल ही होम में हूँ, देखे। अच्छा, अब मैंने एक डायरेक्टरी को क्रिएट करनी है, डायरेक्टरी की क्या कमांड्स है, मैक, देखिए ये भी आप कॉपी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आपने करना है तो उसे कमांड टाइप कर मैक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रख दे तो फोल्डर नेम, बन गए फोल्डर नेम, आई एम सॉरी मैक डायरेक्टरी क्यों नहीं बन गया, मैं देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ, सावर
हाँ, अगर आप यहाँ पर सोचें कि डिनाई परमिशन, इट्स मींस कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं बिल्कुल होम पे आया था, ठीक है। इस वजह से मैंने लिखा सूडो मैक डायरेक्टरी, यहाँ पर देखे मैक डायरेक्टरी को देखे, मैंने यहाँ पर मैक डायरेक्टरी को फाइंड किया है या फिर फोल्डर के नाम से। इसमें मैं अंदर जाता हूँ, सीडी फोल्डर, अंदर में आ गया। देखे मैं यहाँ पर होम में अंदर सब डायरेक्टरी और फोल्डर में अंदर ही आ गए। आपने क्रिएट करना है इसमें अंदर टच टच फाइल नेम, ठीक है। ये भी अभी परमिशन मुझसे मांग रहे। देखिए अब इसके लिए आपने किया सेम कमांड यूज़ करना है, सूडो। देखिए बन गया। अब मैंने देखना है डियर ये, इसमें अंदर ये है। इस तरह कमांड्स आप अप्लाई कर सकते हो इसमें अंदर, जिस तरह की काली लिनक्स में आप कमांड यूज़ कर सकते हो। सिंपल एंड इजी है, काइंडली ये इस्तेमाल करें। चैट जीपीटी से थोड़ा हेल्प ले ले, वार्ड से हेल्प ले। देखिए ये परमिशन थोड़ा आप सीख ले, आई होप आपको ऑलरेडी आता होगा कि किया क्या, किस तरह हम कमांड यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको न्यू चीज़ सीखने की मिल जाएगी यहाँ से। सो काइंडली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। ऑलरेडी सब कुछ मैंने बताया है, ये अनलाइन टर्मिनल है, इसे आप इज अ अनलाइन हेल्प ले सकते हो। जिस एक और बात, फॉर एग्जांपल आप दूसरे अकाउंट से लॉग इन हो गए, ये चीज़ आपको देखने की नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप न्यू अकाउंट से आए हो, आपकी पुरानी चीज़ें आप सर्च करें, मतलब सर्च कर रहे हो, पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपके अकाउंट चेंज हो गया। अगर ये पुराने अकाउंट से लॉग इन है, हमजा फवाद अकाउंट से आप फॉर एग्जांपल लॉग इन है, तो ये चीज़ें आपको करेक्ट मिल जाएगी क्योंकि ये परमानेंट स्टोर होती हैं एज अ किधर गूगल क्लाउड में, ये लाइफ टाइम के लिए स्टोर होगी, ठीक है, जब तक आप डिलीट ना करें। सो काइंडली आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल जाए। इंशाल्लाह मैं अप्रिशिएट वीडियो लेके आऊँगा स्पेशली फॉर यू फॉर लर्निंग टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।